नहीं दिया है जो उनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 का यानी मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसमें क्या लगता है कि अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिली तो फिर वो अगले साल इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या लगता है उनको? नहीं, वो भी जैसा कोर्ट जैसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कई और भी केस चल रहे हैं इसी प्रकार के। ही इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर, कि बार बार उसी प्रकार का अपराध करना, ये उनकी सोच में शामिल है। कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो शायद इसीलिए अब वो दूसरे कामों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे ट्रक चलाना उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए शायद वो उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो बार बार अलग अलग कामों पर जा रहे हैं उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो राजनीति कैरियर किस तरह से देखते हैं उनका आने वाले 2024 में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा? नहीं, फिर सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देता है तो फिर सजा तो भुगतनी पड़ेगी। एक देश में एक कानून होना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए जा सकते, और सरकार को तो सबको एक आंख से ही देखना चाहिए कि सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। तो इसलिए ये तो अच्छी बात है कि अगर यूसीसी आ रहा तो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।